क्लास 9 ज्योग्राफी में क्वेश्चन 5 जनसंख्या जिसको इंग्लिश में पॉपुलेशन कहा जाता है। तो इसमें हम पहला हमारा जनसंख्या, जनसंख्या है एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या कहा जाता है। एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या कहा जाता है। दूसरा है देखिए जनगणना, एक निश्चित समय में जनसंख्या की आधिकारिक गणना को ही जनगणना कहा जाता है। एक निश्चित समय में जनसंख्या की आधिकारिक गणना को ही जनगणना कहा जाता है। तीसरा देखिए भारत में हर 10 वर्ष बाद जनगणना की जाती है। तो तीसरा हमारा देखिए जनसंख्या का आकार एवं वितरण। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे ज़्यादा आबादी जो है उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम आबादी जो है वो सिक्किम में है। किसमें है? सिक्किम में। ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में है आबादी और सबसे कम आबादी जो है सिक्किम में। घनत्व के आधार पर जनसंख्या का वितरण अगला है। घनत्व के आधार पर जनसंख्या का वितरण घनत्व के आधार पर जनसंख्या का वितरण। तो पहला है जनसंख्या घनत्व, इसमें है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अगला देखिए इसी में है, 2001 में भारत का जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर या जो कि अब बढ़कर जो है 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। तो पर्वतीय मरुस्थल और वनीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व मैदानी भागों की अपेक्षा बहुत कम होता है। जनसंख्या वृद्धि अगला है। जनसंख्या वृद्धि देखिए, जनसंख्या वृद्धि जन माने लोग, संख्या माने संख्या, लोगों की संख्या जो है वही क्या है? जनसंख्या वृद्धि। इसमें है निरपेक्ष विधि
निरपेक्ष वृद्धि, सॉरी निरपेक्ष वृद्धि। तो इसके अंतर्गत देखिए, पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या में से घटाकर निरपेक्ष वृद्धि पता लगाया जाता है। पहले की, जैसे पहले की जनसंख्या और जो उसके बाद की जनसंख्या होती है उसमें से घटाया जाता है। जैसे हमारी जनसंख्या 3000 है तो बाद की जो जनसंख्या है 2000 है तो उसमें से घटाया जाता है। तो वही जो आता है वह निरपेक्ष वृद्धि होती है। वही जो आता है क्या होता है? निरपेक्ष वृद्धि। पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या में से घटाकर निरपेक्ष वृद्धि का पता लगाया जाता है। तो निरपेक्ष वृद्धि का मतलब सुनिए, पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या में से घटाकर निरपेक्ष वृद्धि का पता लगाया। जनसंख्या परिवर्तन पहला है, जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या में परिवर्तन सापेक्ष वृद्धि तथा वार्षिक वृद्धि द्वारा देखा जाता है। जनसंख्या परिवर्तन सापेक्ष वृद्धि तथा वार्षिक वृद्धि द्वारा देखा जाता है। इसको क्या कहते हैं? जनसंख्या परिवर्तन। देखिए इसमें है, जनसंख्या में परिवर्तन के कारण, इसमें है जनसंख्या में परिवर्तन के कारण, जनसंख्या में परिवर्तन के कारण, जनसंख्या जो है इसमें परिवर्तन के कुछ कारण है। देखिए जन्म दर मृत्यु दर और अगला है प्रवास, इसके ये तीन कारण हैं। पहला कारण है जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा जो है प्रवास। तो पहला हम देखेंगे जन्म दर। पहला क्या है? जन्म दर के अंतर्गत देखिए, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे हम जन्म दर कहते हैं। एक वर्ष में प्रति हजार जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्मदर कहा जाता है। एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे हम जन्मदर कहते हैं या जन्मदर कहा जाता है। अगला देखिए मृत्यु दर एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को
मृत्यु मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। अगला है प्रवास। देखिए प्रवास, तीसरा है प्रवास। लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना ही प्रवास कहलाता है। लोगों का एक जगह से दूसरी जगह में चले जाना ही प्रवास कहलाता है। लोगों का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना है प्रवास कहलाता है। लोगों का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना ही प्रवास कहलाता है। अगला प्रवास देखिए, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना ही प्रवास कहलाता है। प्रवास, अब देखिए ऐसे प्रवास एक है आंतरिक प्रवास, इधर दूसरा अंतरराष्ट्रीय प्रवास। तो प्रवास के दो भाग है, पहला आंतरिक प्रवास, दूसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में देश के अंदर ही लोगों का एक जगह से दूसरे जगह जाना, जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम आंतरिक प्रवास कहते हैं। देश के अंदर ही लोगों का एक जगह से दूसरे जगह जाना, जनसंख्या आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम आंतरिक प्रवास कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के अंतर्गत देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास एक देश से दूसरे देश में जाना जिससे जनसंख्या में परिवर्तन ला देता है, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। और इसमें है जो जनसंख्या में परिवर्तन नहीं लाता है उसको हम आंतरिक प्रवास, जो जनसंख्या में परिवर्तन लाता है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। अगला है अपकर्षण। एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने की प्रक्रिया को अपकर्षण कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने की प्रक्रिया को अपकर्षण कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने की प्रक्रिया को अपकर्षण कहते हैं। अगला क्या है कर्षण।
कर्षण में देखिए, एक स्थान की दूसरे स्थान से, एक स्थान एक स्थान की दूसरे स्थान से, एक स्थान की दूसरे स्थान से, दूसरे स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान से जनसंख्या को, जनसंख्या को एक स्थान की दूसरे स्थान से जनसंख्या को खींचने की प्रवृत्ति, खींचने की प्रवृत्ति को ही, प्रवृत्ति को ही कर्षण कहा जाता है। एक स्थान की दूसरे स्थान से जनसंख्या को खींचने की प्रवृत्ति को ही कर्षण कहा जाता है। अगला देखिए, आयु संरचना, अगला है आयु संरचना, आयु संरचना, आयु संरचना या अलग अलग आयु वर्गों में लोगों की संख्या को बताता है, या अलग अलग, यह अलग अलग आयु वर्ग, यह अलग अलग आयु वर्गों में लोगों की संख्या को बताता है, लोगों की संख्या को बताता है, यह अलग अलग आयु वर्गों में लोगों की संख्या को बताता है, इसे हम आयु संरचना कहते हैं। किसी देश की जनसंख्या को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है, किसी देश की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, तीन वर्गों में। देखिए, पहला जो है वो 15 वर्ष, पहला जो है 15 वर्ष, दूसरा देखिए वयस्क, ये बच्चे हैं, पहला जो है बच्चे, दूसरा वयस्क, ये 15 से 59 वर्ष, 15 से 59 वर्ष, और तीसरा जो है वृद्ध, वृद्ध लोग आते हैं 59 से 59 वर्ष से ऊपर, ये जितने भी आते हैं। पहला होगा 15 वर्ष के बच्चे आते हैं पहले में, दूसरे में वयस्क में जो है 15 से 59 वर्ष तक, और जो है वृद्ध में आते हैं 59 से अधिक। तो देखिए अगला है लिंग अनुपात, अगला क्या है लिंग अनुपात, लिंग अनुपात, लिंग अनुपात, लिंग अनुपात, लिंग अनुपात प्रति इकाई क्षेत्रफल में, जैसे एक वर्ष एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल में, प्रति इकाई, प्रति इकाई क्षेत्रफल में जैसे एक वर्ग किलोमीटर, जैसे एक
वर्ग किलोमीटर। जैसे एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल में जैसे एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। अगला है साक्षरता, साक्षरता दर, साक्षरता दर। साक्षरता दर कोई भी व्यक्ति जो अपना नाम लिखना पढ़ना कोई भी व्यक्ति फिर से सवाल देखिए कोई भी व्यक्ति जो अपना नाम लिखने और पढ़ने की योग्यता रखता है उसे हम साक्षर कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अपना नाम लिखने पढ़ने की योग्यता रखता है उसे हम साक्षर कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अपना नाम लिखने और पढ़ने की योग्यता रखता है वह साक्षर कहलाता है। तो इसको सब लोग समझ लें, साक्षर किसे कहते हैं? कोई भी व्यक्ति जो अपना नाम लिखने पढ़ने की कोई भी व्यक्ति जो अपना नाम लिखने और पढ़ने की योग्यता रखता है उसे साक्षर कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति जो अपना नाम लिखने और पढ़ने की योग्यता रखता है उसे साक्षर कहा जाता है। तो लेसन 5 जनसंख्या पॉपुलेशन में साक्षरता दर तक बताया गया। इसके बाद हम नेक्स्ट अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।